एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट की प्रतिभा को नजरअंदाज कर ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती के साथ की मारपीट। दरअसल एमआईजी थाना पुलिस ने 28 वर्षीय युवती की शिकायत पर बैंक मैनेजर, शौहर सहित 5 लोगों के विरुद्ध मारपीट, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। बता दें, पीड़ित युवती एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी हो चुकी है, जिसका आरोप है कि पति फ्लैट की मांग करता था और नंदोई हिरण का शिकार कर मांस पकाने का दबाव बनाता था। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी करवाई थी, लेकिन युवती ने उसके साथ हुई घटना बताकर केस दर्ज करवा दिया। टीआई विजय सिसोदिया के मुताबिक रानाडे कंपाउंड निवासी शाजिया की शिकायत पर पति इरफान खान, सास, जेठ, ननंद, नंदोई के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। शाजिया के मुताबिक निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग करने लगा। विरोध करने पर इरफान ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। पुलिस ने शाजिया से पूरा घटनाक्रम सुन दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। थाना पलासिया से हरियादिया शाजिया उमर निवासी नॉइन रनाडे कंपाउंड उल पलासिया की रहने वाली हैं। इनने आवेदन पत्र लाके पेश किया था अपने पति एवं ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित कर, मारपीट करके प्रताड़ित करने और प्रताड़ित करने के संबंध में आवेदन लाके पेश किया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से। इसके पति इरफान को पूछताछ के लिए लाए गए हैं और जो पूरी मामला है उसकी जांच करके इसमें कार्रवाई की जा रही है।